नमस्कार, मैं कनिका कटियार, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक में। आज आपको सुनाई देगी सोनभद्र, नरसंहार की गूंज दिल्ली में। यूपी के सोनभद्र में हो रही हिंसा और दिन दहाड़े हत्याओं ने अब पूरी तरह से राजनीतिक रूप ले लिया है। घटना को हुए दो दिन भी नहीं हुए थे कि राजनेताओं ने अपने अपने शब्दों के बाण चलाना शुरू कर दिया है। जहां सबसे पहले अखिलेश यादव ने योगी पर निशाना साधते हुए मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को अपराधियों के आगे कमजोर बताया। इसी बीच सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रशासन के प्रति सख्तियां बरतते हुए सोनभद्र में धारा 144 को लागू कर दिया गया। आइए डालते हैं एक नजर इस कांड में संबंधित महत्वपूर्ण खबरों की ओर। सोनभद्र कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस कारण पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। यूपी के सोनभद्र में हुई इस दहशत से योगी सरकार चिंतित है और उन्होंने स्वयं डीजीपी को इस मामले का संज्ञान लेने का आदेश भी दिया है। इसी बीच पीड़ितों के परिजनों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को मिर्जापुर बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जिसके कारण कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धरने पर ही बैठ गई। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार ने इन सभी नरसंहार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है और कहा है कि यह सब कांग्रेस के शासनकाल से ही चला आ रहा है। सरकार द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ योगी सरकार ने 1955 से लेकर अब तक सोनभद्र में हुए नरसंहार की जाँच दोबारा करने के आदेश भी दिए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक।